अलो बहुरानी, तुम भी दस्तखत कर दो हैं। लेकिन एक घटिया पिटीशन किसने साइन की? आपकी माँ, छोटे चाचा जी, ईशु जी और आपकी वाइफ रागिनी। हमें ना आपके ई वाले नाम से ज्यादा आपका जो असली नाम है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। भागता का है? हाँ, रागिनी सिंह नाम है हमारा, भूल गया तू? अरे तेरी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, समझे? हमें तुमसे कुछ बात करना है। हमारे पास तुमसे बात करने का फालतू टाइम नहीं, बात करनी पड़ेगी। क्या कर रही है तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हमारा हाथ छोड़ो, हमारा हाथ छोड़ो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भेजे में ना थोड़ा अक्कल डालने का कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें पता है मिस्टर जी के साइट पे ना एक आदमी ठेकेदार बनकर आया था, और वो कोई ईटा बालू का ठेकेदार नहीं था, वो आदमी को मारने का ठेका लेता है। अब मिस्टर जी के साइट पे कॉन्ट्रैक्ट किलर आने का मतलब समझती हो ना तुम? कॉन्ट्रैक्ट किलर? वहां सब ठीक है ना? अभी तो सब ठीक है सृष्टि, अगर हम सही समय पे नहीं पहुंचते ना तो सब गड़बड़ हो जाता। हमारी फैमिली पे ना खतरा मंडरा रहा है, तुम्हारे और हमारे पीछे ना साजिश रची जा रही है, हम बता रहे तुम। अरे हम तुम्हारे कोई दुश्मन वुश्मन नहीं है, और जो तुम्हारा असली दुश्मन है ना उसको तुम अपना फ्रेंड कहता फिर रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है हमारा दुश्मन? वो तुम्हारा यार शेखर। तुम्हारी बातें खत्म हो गई, जाए हम यहाँ से, क्योंकि इससे ज्यादा बकवास सुनने के ना मूड में नहीं। तुम ना अपनी आंखें खोल के ना सच देखने का कोशिश करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और इस चक्कर में अगर हमारे मिस्टर जी या देवर जी को कुछ भी हुआ ना, तो गहरा थी अपनी डराने धमकाने की दुकान ना कहीं और जाके खोलो, क्योंकि हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं तुम ये सब क्यों कह रही हो, क्योंकि इस लड़ाई में अनुराग जी हमारा साथ दे रहे हैं, और अनुराग जी का हमारा साथ देने का मतलब है तुम्हारी हार। अभी डराना धमकाना बंद करो। हम नहीं डरा धमका रहे हैं तुम्हें, समझी? समझे में नहीं आ रहा कि साथ देना चाहते तुम्हारा? अरे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। और सुन लो, अगली बार हमें बंद कमरे में लाकर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और हमारे साथ देने के बारे में सोचना भी मत। इसके अंदर तो ना भवानी आके बैठ गया है, इसको भी कुछ बताने का ना मतलब भी नहीं है, नहीं समझेगी। हमने शेखर का ई प्लान तो फेल कर दिया, लेकिन उसे दूसरा कुछ करने से ना हमें रोकना होगा। राम को साला, मुझे तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। वो वहां पर मेरे घर तक पहुंचने वाली है, और तू उसको अपना चेहरा दिखाकर आ गया है। शिट, शिट, शिट। शेखर बाबू, हमें लगा वो हमें पहचान नहीं पाएगी, लेकिन गिद्ध का नजर पाई है ये रागिनी ने। हरामखोर, शुक्र मना उसने अपना पंजा तेरे चेहरे पर नहीं मारा, पर गिद्ध से नहीं शेरनी से कंपेयर करता। समझा? भाग जा यहाँ से, अगर उसकी जान प्यारी तो नहीं, छुप जा कहीं जाके। जो काम ये नहीं कर पाया मुझको ही करना पड़ेगा। नो वन कैन बेटर देन मी। कहाँ चल रहे रागिनी भाजी? मतलब कि कहाँ चल रहा है आजकल? क्या दुलारी दीदी, आप भी ऐसे पूछ रहे हो जैसे बहुत दिनों के बाद देख रहे हो हमें। नहीं, हम तो तुमको रोजे देखते हैं। बाकी हम तो ये पूछ रहे थे बड़की भौजी कि केवाड़ी बंद करके कानून की देवी को का पाठ पढ़ा रहे थे तुम? जासूसी करने आई है। अरे उसको समझा रहे थे कि कायदे में रहेगी तो ही फायदे में रहेगी। अब्बा,
एकदम ही ठीक डोज दी होती तो हम गलत दवाई तो किसी को ही नहीं देते हैं। हम उसको यही कह रहे थे कि जो भी फैसला लेना सोच समझ के, ताकि हमारे घर का शांति बना रहे। और आप तो जानती हो कि वो गलत है। वो गलत को गलत कहने में ना हम कभी गलती नहीं करते। ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकती, क्योंकि सच कहने का जो ठेका है वो इन्होंने ले रखा है। जब जिसे चाहे झूठा साबित कर दे, जब चाहे सच साबित कर दे। कमाल है। लोहा फूटेगा ज्वाला। बड़के भौजी अब हम जाते हैं, काहे कि फुआ को सब बताना है। हमारा मतलब है कि कल से नवरात्रि शुरू है ना, तब कथी कथी चाहिए पूजा के लिए ही बताना है हमको। हाँ मिस्टर जी को ना गलत समय पे आने के लिए कोई गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। हम दुलारी दीदी के कान में ये बात डाल के सासू मैया को भरमाए रखना चाहते थे, लेकिन अब सब गुड़ गोबर हो गया। पैसा काय बोल रहे हैं? हाँ तो क्या, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना मिस्टर जी? हम ना बहुत बार देख चुके हैं, वो जैसी कानून की देवी का नाम आता है ना तो आपका संतुलन गड़बड़ा जाता है। अगर तुम ये जानती हो तो तुम उसकी बात बार बार क्यों करती हो? मत करो। जो आप एक्स्ट्रा प्रेम दिखाते हैं ना कानून की देवी के लिए, मत दिखाया कीजिए। हमारा दिमाग खराब होता है। दिमाग मेरा खराब हो रहा है रागिनी? या मेरे प्रोजेक्ट में बिना कॉन्ट्रैक्टर के मुझे कितना नुकसान हो रहा है तुम जानती हो? पूरी रेपुटेशन, सब पैसा, सब दांव पे लगा है, लेकिन मैं फिर भी शांत हूँ। तुम्हें पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा है। सारा दिन सृष्टि शेखर सृष्टि, उनके पीछे पड़ने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, समझी तुम? ससुराल हमें ना इनके लिए नया ठेकेदार लाना होगा। नया नया काम है, अगर फेल हो गए तो इनको कोई दोबारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देगा। सृष्टि जी, हमें ना आपके लिए कुछ लाए। टन टन टन। अरे हमारा स्क्रू ड्राइवर कहाँ चला गया? श्रिष्टि जी, किसी बेशरम फिर से विशु बाबू को फंसाने का कोशिश कर रही है। ए बकलोल दीदी, अपनी फालतू की बकैती बंद करो। अरे और कितना नीचे गिरोगी? तो हमको शर्म आने लग गया तुम्हारा ये सब करतब देखकर। अरे हमारे विशु को अपना तरफ खींचने के लिए तुम्हारा पुराना तरकीब इस्तेमाल करने लगी। माँ, ये सब आप कहाँ कह रही हैं? सृष्टि जी को तो पता भी नहीं था कि हम उनके कमरा में हैं। उनका बस पैर फिसल गया तो हम उनको गिरने से बचा लिए बस। आप सब लोग हैं ना तिल का ताड़ बना रहे हैं। अरे बिसो हमारा बात समझो। हमारा बिसु जो है ना वो भोला है, इसलिए उसका फायदा उठाना बंद करो और उससे दूर रहो। हाँ, और आप हमारे कमरे से दूर रहिए, वरना आपको निकालने के लिए कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग का ऑर्डर लाना होगा। प्लीज जाइए यहाँ से। ए, ये जो बात बात पर तुम हमारी फुआ पनाह तरेरती हो ना, हम इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तुम दुलरिया, ये जो इसका तेवर है ना, इसका जवाब तो इसका बाप ही देगा, वो भी कोर्ट में। चलो यहाँ से। जगनवा का मिलना ना आज बहुत जरूरी है। कहे कि दीदी जी ना इसी को गवाह बना के ये शिखरवा का सच सबके सामने लाना चाहिए। तो मिलेगा कहाँ है? हम कहाँ बोलेंगे नहीं मिलेगा। अरे साला नहीं मिलेगा तो जमीन खोद के नहीं निकाल लेंगे उसको। जमीन खोदना छोड़िए, यहीं पे देखिए कहाँ है बाबू। जगन कहाँ रहता है? हम किसी जगन वगन को नहीं जानते। ए राजा, आओ सीधे से बताओगे कि
दूध दाना अंदर डालेंगे तो बताओ। भैया जी हमें मत मारो, हम सब बताते हैं। गगन थोड़ी देर पहले बोरिया बिस्तर लेके चला गया यहाँ से। और कहाँ गया है ये हमको मालूम नहीं, हमें जाने दो भैया। अक्सर भैया भाग गया है। कहाँ गया होगा भाई? बस अटक गया होगा ना, ज्यादा दूर भी नहीं है। अरे भैया उन्हें तो देखना है, जल्दी ना चलिए। अरे आधी रात को ये सब का देख रहे हैं आप? मूवी देख रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तो जो भी देख रहे हैं ना बाद में देखिएगा, बंद कीजिए अपने लेट पॉट को, इसमें से जो आवाजें आ रहा नहीं हमें सोने नहीं देगा। तुम सो नहीं पा रहे हो तो मेरी क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं मूवी देख रहा हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम भी देख लो, और वैसे भी हॉलीवुड फिल्म तुम्हें समझ नहीं आएगी, जाओ जाके सो जाओ। अपना अपना वो कान में क्या लगाते हैं वायरलेस, वो लगा के देखिए। वायरलेस? ओ मैं कोई हेडफोन वगैरह यूज नहीं करने वाला, समझी तुम? ये हॉलीवुड फिल्म है, आई वांट टू गेट द ओरिजिनल फील। एनी प्रॉब्लम? चुपचाप सो जाओ। हम ना आपके वजह से सो नहीं पा रहे हैं मिस्टर जी। तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? उस दिन जब मैं काम कर रहा था तुमने लाइट बंद कर दी थी तो मैं काम नहीं कर पा रहा था। हाँ उस दिन मैंने एडजस्ट किया ना, आज तुम करो। ससुरा बताओ सोने से पहले पति पत्नी कैसा प्यार वाला फिल्म देखते हैं, और हमारी किस्मत मोरे तो जिंदगी में ना हाय तौबा मचा हुआ है, और वैसे ही मूवी देखने के लिए बोल रहे हैं। क्या हुआ, डर लग रहा है? इट्स ओके, लाइट ऑन करके सो जाओ, मुझे पता है तुम एक नंबर की डरपोक हो, सो जाओ ऐसे। क्या बदतमीजी है यार, और टोमेटो सॉस हाथ में कौन लगा के घूमता इतनी? असली वाला फील चाहिए था ना, तो हम सोचे कि आपको असली वाला फील दे दे। डर लगा आपको? तुम पागल हो क्या? तुम पूरी पागल। जब कलेजा में इतना हिम्मत ही नहीं है तो काहे अपना ये भूतिया फिल्म देखते हैं, हाशू फाशू कुछ समझ में नहीं आता हमें।
डरिए मत फिल्म देखिए, हम इधर ही हैं, ठीक है। ये लड़की सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए पैदा हुई है दुनिया में। पहले प्यासी चुड़ैल थी, अभी तो खूनी चुड़ैल हो गई है। मिस्टर जी ने बिना एकदम हमारे नींद का ना सत्यानाश कर दिया। पता नहीं लंदन से कहां पढ़ लिख के आए, एकदम इना सहू नहीं। अरे देवर जी, देवर जी आप यहाँ कुछ सोच रहे हैं का? भाभी हमें ना समझ नहीं पा रहे हैं कि सब घर में क्या हो रहा है। सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और बाहर का दुश्मन लोग हमें एक समझकर घर में हमला करना चाह रहे हैं। कौन कहता है कि देवर जी समझदार नहीं है? आज पहली बार इस घर का कोई सदस्य असली समस्या का बात कर रहा है। देवर जी अगर किसी मुश्किल का हल चाहिए ना, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो मुश्किल बिना हम खुद ही पैदा करते हैं। हम कुछ समझे नहीं भाभी। हम समझाते हैं आपको। देवर जी आज आप कैसे सृष्टि को बचाने के चक्कर में गिर गए थे और उसी समय दुलारी दीदी ने आके कैसे बाग का बतंगड़ बना दिया था। वो दुलारी दीदी तो है ना एक नंबर की बकलोल है, हमारी बात कुछ सुनी नहीं रही थी, बस अपनी बकैती करी जा रही थी। वही तो जो आज आपके और सृष्टि के साथ हुआ है, हो सकता है उदन शेखर और सृष्टि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गलती से वो बेड पे गिर गए हो। भाभी आप सृष्टि जी की तरफदारी मत कीजिए, हमें ना अपनी आंखों से सब कुछ देखे थे। उनको शेखर है ना पहले से ही बहुत पसंद था, धोखा दिया सृष्टि जी ने हमें। अब ई भी अपने बड़ के भैया से कम थोड़े ही है, कैसे समझाएं उनको। नारद, इतनी रात में नारद का फोन। हाँ नारद बोलो। हाँ दीदी जी। अरे रागनी हम उसको जगन को तो पूरा जिला में छान मारे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो हमको लग रहा है कि वो छोड़ ओढ़ के भाग गया है यहाँ से। लेकिन पराग भैया वो इतना जल्दी कैसे भाग सकता है? अरे दीदी जी हमको क्या लग रहा है कि इसको भी ना शेखर भाई भगाया है। अरे रागनी तुम ना ज्यादा फिक्र मत करो, समझ गई? इसको तो साले को हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लेंगे। तुम सिर्फ एक बात बताओ हमको कि अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है। अरे जगन के भागने के बाद शेखर का भेद खुलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, कल तो हम उसके माँ बाप के घर जा ही रहे हैं, वहाँ ही ना हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और इससे शेखर के बच्चे को तो हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा फंसाएंगे ना हम उसको कि जिंदगी भर ना हमारा नाम याद रखेगा। तुम ना बस उसके कल घर जाने का तैयारी रखो, गिनती का दिन बचा है बस उसके पास। अब आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। और आज से हमारी नजर तुम पर रहेगी और हम तुम्हें हमारी आंख में धूल भी झोंकने नहीं देंगे। बहुत खेल लिया तुमने दूसरों की जिंदगी से, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई से पर्दा उठाने का समय आ गया है। बड़की जी, ये औकात आना यहाँ रोक दो। जी अम्मा जी, नवरात्रि के 9 दिन तक ये बढ़ता रहेगा और उसके साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगा।
हमें भी शेखर के माँ बाप का पता लगाने के लिए निकलना है। हमें रागिनी के शेखर के घर जाने से पहले शेखर को बताना होगा।